Delhi, we are one day away from the Municipal Corporation of Delhi elections. I have with me Deputy Chief Minister of Delhi, Mr. Manish Sasodia. Sir Arvind Kejriwal, sir, who is the Chief Minister, he has said that if we are voted to power, we will turn Delhi into London. So, can we expect red double decker buses in Delhi? What can we expect? How will it turn into London? You see, the problem with our thinking when we talk. इज दैट वी थिंक इन कॉपी पेस्ट हम कॉपी पेस्ट थिंकिंग प्रोसेस में ज़्यादा यकीन रखते हैं hmm. केजरीवाल जी का यह कहना है कि अगर हम एम में आते हैं तो हम दिल्ली में जो गली गली में कूड़ा सड़ा हुआ दिखता है ना आप किसी तरफ से hmm. निकल जाइए आप जेब में रुमाल रखने की नहीं भी आदत रखते हैं hmm. तब भी आपका लगेगा काश मेरे पास रुमाल होता तो मैं नाक पे लगा लेता hmm. वो जो हालत है दिल्ली में hmm. उसको ठीक करना है hmm. और दिल्ली की सड़कें चमक सकती हैं दिल्ली की गलियाँ चमक सकती हैं। दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं होता कि लोग कूड़ा नहीं पैदा करते हैं। जो भी खाना खाते हैं जो भी यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में जितनी जितना कूड़ा हम फैलाते हैं उतना ही सारी दुनिया में घरों से निकलता है और उसको मैनेज किया जाता है जी। हमारे यहाँ उसमें पॉलिटिक्स होती है जी। उसमें करप्शन होता है जी। उसको उठाने के नाम पे करप्शन होता है तो वो करप्शन दूर करके हम दिल्ली की सड़कों को दिल्ली के ढलावों को साफ़ सुथरा करेंगे घर घर से कूड़ा उठा के मैनेजमेंट तक उस तरह की चीज़ें करेंगे ताकि लोगों को थोड़ा फक्र हो सके इस चीज़ पे कि मेरी दिल्ली साफ़ सुथरी दिल्ली है सर जब 2016 में चिकन गुनिया बहुत फैल गया था तो काफ़ी ये एलिगेशन्स आए थे कि ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे वो दिल्ली में नहीं थे जब वेक्टर बोन डिजीज़ ये हज़ार लोगों से ज़्यादा इनफैक्ट केसेस रजिस्टर हो गए थे तो आ, ऐसे ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट को या मोदी जी को ब्लेम करना या एम को ब्लेम करना क्योंकि आम आदमी ही मर रहा है आम आदमी ही सफ़र कर रहा है डिज़ीज़ से तो ये कहाँ तक सही या गलत है देखिए दस साल से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में बैठी है जी। और प्राइमरी फंक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द लॉ उनका है हम इतना कर सकते हैं कि अगर उनसे सब कुछ साफ नहीं हो रहा तो कुछ हिस्सा हम साफ कर लें बट ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा ना बिकॉज uh, हमारे हमने पीडब्ल्यूडी डी की रोड खुद साफ़ करनी शुरू कर दी पर जो नगर निगम के पोजीशन में रोड से उनको तो हम साफ़ नहीं कर सकते उन पे तो उनका अधिकार है उनकी ड्यूटी भी है तो नगर निगम की ड्यूटी है प्राइमरी तो किसी भी राज्य में किसी भी शहर में जो नगर निगम है उनकी जिम्मेदारी होती है कि आप साफ़ सुथरा बनाए शहर को गंदा उठाएँ उसको मैनेज करें नालियां खड़ंजे ठीक हों ताकि मच्छर वगैरह या बीमारियां ना पैदा हों ये म्यूनसिपल फंक्शन में आता है म्यूनसिपल फंक्शन हमारे पास में देखिए हेल्थ था हमने हेल्थ ठीक किया हमने मोहल्ला क्लिनिक्स दिए हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक किया मैनेजमेंट सिस्टम ठीक किया हॉस्पिटल्स का हमने गवर्नमेंट स्कूल ठीक करने शुरू किए हमने प्राइवेट स्कूल से रेगुलेट किया हमने बिजली पानी पे काम किया सक्सेसफुल डिलीवरीज दी हैं लेकिन जिस जो फंक्शन ही हमारे उसमें नहीं है जो सड़कें हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं हम उन पर एक कील खोदते हैं एक गड्ढा एक भी खोदते हैं तो हमें एन लेनी पड़ती है नगर निगम से तो वहाँ हम वहां तो फिर मतलब बीजेपी को जवाब ना हुँ. और उसी बेस पर उनका आकलन होना चाहिए जी हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी ने एक ट्वीट भी किया है कि अगर आप बीजेपी को वोट देंगे और आपके बच्चे को अगर डेंगी हो गया तो ये आपकी जिम्मेदारी है तो ऐसे अगर हम लोगों को जैसे डराएंगे तो एज कैन यू नो इज आप रिलाइंग ऑन पॉजिटिव टू विन दिस इलेक्शन और प्रोमिस नहीं पॉजिटिव भी है प्रोमिस भी है लेकिन साथ साथ खतरे भी हैं क्योंकि अगर हम भारतीय जनता पार्टी को आज वोट देते हैं तो हमने दस साल से तो छोड़ दीजिए पिछले तीन साल से देखा है जहां मोदी जी बार बार कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साफ कर रहे है देश को बहुत नोबल कॉज है अच्छी इंटेंशन से कह रहे हैं पर हम देख रहे हैं कि नगर निगम में उसकी भी धृष्टिया जा रही है मतलब तीन साल हो गए प्रधानमंत्री जी को कहते कहते नहीं, कि नहीं। सफाई करो सफाई करो सफाई करो आज नगर निगम सफाई नहीं कर पा रहा है दिल्ली की सड़कों को कूड़ा वहीं का वहीं पड़ा है किसी भी ढलाव पे चले जाइए पे तो पर ये एक तरीके का थ्रेट है लोगों को ये बोलना कि आप देखिए अगर से अगर से ये बच अगर ये आपने वोट अगर, दिया तो भारतीय जनता उनको डरा के एक तरीके से अगर, नहीं पर ये रियलिटी है अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है फिर से नगर निगम में तो पांच साल वही हालात रहने वाले हैं जो पिछले दस साल से थे तो हालात तो बदलेंगे नहीं मच्छर आपके शहर में खूब रहेंगे आपके शहर में बीमारियां खूब रहेंगी क्योंकि गंदगी है क्योंकि बदबू है इन्फेक्शन है तो अगर इसको सैनिटाइज करना है तो फिर आपको भारतीय जनता पार्टी को हटाना पड़ेगा Uh, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि जो आम आदमी पार्टी है उससे uh, जो कॉमन uh, मैन है जो आम आदमी है वो ऐसे देखता है कि uh, जैसे पार्टी स्ट्रगल करी है सिस्टम के अगेंस्ट वो उस स्ट्रगल से रिलेट कर पाता है तो अभी हाल ही में जो शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आई है जिसमें नॉट वन और टू बट फोर हंड्रेड एंड फोर फाइल्स of uh, uh, they have irregularities have irregularities िटीज डिटेक्टेड तो ऐसी जब इमेज डेंट होती है किसी पार्टी की दैट टू राइट बिफोर अ वेरी क्रूशल इलेक्शन तो कैसे आप यू नो डील करते हैं देखिए हमें चिंता तब होती जब हमारी 400 फाइल्स में से एक भी फाइल में एक रुपए का भी करप्शन का केस आता करप्शन का केस नहीं है बस एलजी साहब के पास फाइल नहीं भेजी थी वो रेगुलरिटी है तो वो तो हम स्टैंड ले रहे थे आज भी ले रहे हैं कि भाई इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं ये गलत तरीका है एल के पास हर फाइल भेजने की जरूरत नहीं है ऐसे सरकार तो सरकार कैसे चार 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 एक रुपए का भी करप्शन नहीं ढूंढ पाए वो एक रुपए की भी हेरा फोरी एक रुपये का भी कमीशन लिया गया हो एक रुपए का भी कोई काम ऐसा किया गया हो जिसमें करप्शन हो

जो देश भर से व्यापारी आते हैं उनकी दिल्ली में एंट्री वेट से होती है वेट पेपर दिखा के होती है कि ऐसे में से आप एंट्री कर सकते हो ये सब किया दिल्ली का माहौल अच्छा हुआ ताकि यहाँ इन्वेस्टमेंट हो दिल्ली में लोग ट्रेड करने आए दिल्ली में लोग इन्वेस्ट करें ये करने के लिए हमसे पहली सरकार और बाकी सारी राज्य सरकारें दुनिया भर के बड़े बड़े देशों में जाके बड़े बड़े शहरों में जाके इन्वेस्टमेंट समिट करती हैं हमने तो सिर्फ बताने के लिए विज्ञापन दिए तो विज्ञापन देना कोई अपराध नहीं है आज भी आप आज के भी अखबार उठा के देखेंगे किसी भी रोज के दिल्ली के अखबार उठा के देख लीजिए देश भर के अलग अलग राज्यों के विज्ञापन आपको दिल्ली में भी दिख जाएंगे केरल का भी दिख जाएगा कश्मीर का भी दिख जाएगा काफी अलग अलग स्टेट्स हाँ। में भी हाँ। आपके हाँ। आते हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ हाँ। कि आप केरल का विज्ञापन जब दिल्ली में देखते हैं तो हम भी वही कर रहे थे कि अपने राज्य की उपलब्धियों को बताने के लिए ताकि लोगों में एक हौसला बढ़े कि दिल्ली में चेंज आ रहा है और इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करके इन्वेस्टमेंट सबमिट किए जाते हैं सारे राज्य सरकारें विज्ञापन देती हैं और ये कोई गलत चीज नहीं है विज्ञापन देना और ये बताना कि हमने बिजनेस कर दिया है हमने एजुकेशन अच्छी कर रहे हैं ताकि बच्चे और... लेकिन आरोप ये लग रहा है कि साहब मुख्यमंत्री का फोटो छाप दिया आप तो आपको पैसा देना पड़ेगा तो विज्ञापन की बात आई है अब वो कह रहे हैं कि आपने सत्तानवे करोड़ रुपए विज्ञापन में खर्च कर दिए और सत्तान पहली बार तो सत्तानवे करोड़ भी खर्च नहीं हुए वो तो पचास करोड़ रुपए खर्च हुए फिर भी वो कह रहे हैं सत्तानवे करोड़ रुपए आपने विज्ञापन में खर्च कर दिए अब आप सत्तावन करोड़ रुपए पार्टी से ले लो इनकी क्योंकि मुख्यमंत्री का फोटो छाप दिया अगर मुख्यमंत्री के फोटो छापने पर पार्टियों से पैसे वसूलने लगे तो इस देश में सारे राज्य सरकारों को अपनी अपनी पार्टियों से जहां जहां जो सरकार चल रही है विज्ञापन के पैसे वसूलने पड़ेंगे मुख्यमंत्री का फोटो छापना कोई अपराध है ही नहीं पिछली बार भी इलेक्शन हुआ था 2015 में जब हम देख रहे थे विज्ञापन की बात आई है तो मैं बोल रही हूँ ये कि आ, हर ऑटो पे एक केजरीवाल जी का फोटो या झाड़ू का फोटो सब रहता था इस बार ही जब एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है क्या आपका ये वोट बेस हिल चुका है केजरीवाल जी का फोटो के लगा हुआ मतलब, अच्छा, है मुझे तो लगता <laughs> है, पहले है। की हमें सब कैप्स याद है है सिंबलिज्म अभी मिसिंग क्या से झाड़ू केजरीवाल पहले ऑटो के पीछे जो स्पेस था विज्ञापनों का वो हम भी यूज करते थे आज आपको सबके दिख जाएंगे क्योंकि सब लोगों ने उस स्पेस को आइडेंटिफाई कर लिया आपको बीजेपी के विज्ञापन दिखेंगे वहाँ पे आपको दूसरी पार्टी को भी दिखेंगे कांग्रेस के भी दिखेंगे हमारे भी दिखेंगे तो वहाँ चल रहा है विज्ञापन हमारा चल रहा है दिल्ली अब दिल्ली में बहुत सारे जो पॉपुलेशन है वो हिंदी हिंदी हार्टलैंड की पॉपुलेशन है और मनोज तिवारी एक बहुत ही पॉपुलर फिगर हैं एक तरीके से हार्ट रॉब हैं उनके तो जो माइग्रेंट कॉलोनीज के लोग हैं जहां हमने भी जाकर जाके लोगों से बात की है तो बहुत उत्साह है मनोज तिवारी को लेके उनके गाने को लेके जो उन्होंने गाना भी गाया है भाजपा के लिए तो उसके कितने बड़ा थ्रेट लगता है आपको ये वोटर्स आपके वोट बेस शिफ्ट हो हैं लोगों ने ये भी देखा है कि मनोज तिवारी से अगर गाना गाने का अनुरोध कर दिया जाए तो जिस शिक्षक के बारे में ये कहा जाता है कि उसको भगवान से भी पहले रखना चाहिए उसकी वो किस तरह से बेजती करके स्टेज से उतारते हैं सिर्फ इसलिए कि वो एक गायक है और उनको गाना गाने के लिए कह दिया एक शिक्षक ने पोलिटिकल तो, इवेंट पे था नहीं पोलिटिकल इवेंट नहीं थी सरकारी इवेंट थी वहाँ अगर अगर उनको गायक होने की जनता इतना पसंद करती है और किसी एक जनता में से किसी एक स्कूल टीचर ने अगर उनसे यही फरमाइश कर दी कि आप गाने के दो लाइन गा दीजिए आप बहुत अच्छा सुनते हैं वो उनकी फैन भी रही कहा और, और कैसे हिम्मत हो गई आपने मजाक समझ रखा है मतलब आपने देखा होगा वो वीडियो तो एक अच्छा बहुत सारे एक और वीडियो आया था आपने पता नहीं देखा हो वो जब वहाँ गए थे नोटबंदी के दौरान बैंकों के सामने लगी हुई लाइन के बीच जाते थे तो किसी जगह जनता को वो गाना सुना के आए और फिर अचानक दो दिन बाद एक वीडियो आया कि वो बता रहे हैं कि देखो जनता तो गुस्से में थी पर मैंने अपना गाना सुना के कैसे मूर्ख बना दिया सब मेरी जय जयकार करने लगे तो वो मेरा ये कहना है कि गायक होना अच्छा गायक होना मनोज तिवारी अच्छे गायक हैं एक गायक के रूप में मैं भी उनको पसंद करता हूँ पर जरूरी नहीं कि बसंद बसंद हैं। वो बहुत अच्छे नेता हूँ हर अच्छा गायक हर अच्छा नेता नहीं हो सकता है हर अच्छा मतलब तो आपकी आवाज बहुत अच्छी हो इसका ये प्र... आपका फेवरेट मनोज तिवारी का गाना कौन सा है मुझे ऐसे कोई नहीं है मैं बहुत भोजपुरी गाने नहीं सुनता हूँ पर जब भी मैंने उनको सुना है मुझे अच्छा लगता है उनका प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है लेकिन साथ साथ जरूरी नहीं है कि मेरा फेवरेट गायक मेरा अच्छा पॉलिटिशियन हो जाएगा मेरा अच्छा पब्लिक सर्वेंट हो जाएगा ये इस बात की गारंटी नहीं होती है जब भी कोई पार्टी सर सिविल सोसाइटी से निकल के आती है बहुत बहुत रोमांटिसिज्म अटैच अटैच होता है बहुत है है एनर्जी होती हम आपके साथ भी देख चुके एक रिफ्रेशिंग सी थिंकिंग आ जाती यादव की स्वराज हाउ बिग अ थ्रेट इज दैट पता नहीं अभी तो मैं तो उनका ये रहा है। चल रहा है। उनके लिए नया है सब कुछ गया हूं तो मुझे कोई बहुत,

हमने कहा था कि हम बिजली सस्ती करेंगे हमने सस्ती कर दी हमने कहा था पानी हम सस्ता करेंगे फ्री करेंगे हमने पानी कर दिया नई कॉलोनियों में पानी लाएंगे हम 300 सौ कॉलोनियों में पानी ले आए हम देश में पहली ऐसी सरकार हैं जो गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम को की प्रॉब्लम्स को फिक्स करने पे काम कर रही है नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वान्टिटी वाइज बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी वाइज ऑल्सो प्राइवेट स्कूल्स को हम ही रेगुलेट कर पाए हैं देश भर में कहीं कोई सरकार अभी तक रेगुलेट नहीं कर पाई है फीस बढ़ाने से रोकने के नाम पर Uh, हर राज्य में आंदोलन हो रहे हैं इस समय फीस सब बिजली हाफ हाँ तो एक मिनट तो ये सारी चीज़ें हमने की हैं और खुद केंद्र सरकार के सर्वे अब मानते हैं कि सर्वे क्या उनकी रिपोर्ट्स मानती हैं कि दिल्ली में 81 परसेंट करप्शन कम हुआ है जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में 67 परसेंट बढ़ा है uh, दूसरी तरफ बीजेपी है जो जब ये सत्ता में आए थे तीन साल पहले तो दिल्ली साफ सफाई के मामले में देश में की लिस्ट में एक में नंबर पे थी ये भी भारत सरकार का सर्वे है पिछले साल माने इस साल अभी कुछ महीने पहले चार महीने पहले जब सर्वे हुआ तो दिल्ली एक में पायदान से खिसक के तीन पायदान पे आ चुकी है तो भारतीय जनता प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सफाई करो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है वो कह रही है कि जी हम तो एक से तीन सौ ले आए और खिसका के उसको नीचे गिरा के तो हम ही कर सकते हैं लोगों को यकीन है हाउस टैक्स यही माफ कर सकते हैं तो इसी चीज इसी कमिटमेंट को देखना है कि जनता कितना वेट करती है सर केजरीवाल जी को ये क्यों लगता है कि अगर कांग्रेस या बीजेपी आ जाएगी तो ये पानी माफ बिजली हाफ चला जाएगा बिकॉज ऑलरेडी बीजेपी तो है ही एमसीडी में प्रॉब्लम क्या है कि इस देश में हम पिछले सत्तर साल से देखते आए हैं कि पार्टियां बहुत बदली हैं हालात नहीं बदले वजह ये है मतलब कांग्रेस और बीजेपी तो खास तौर से अल्टरनेट पॉलिटिक्स में जाने, जाने जाते हैं कांग्रेस हटी बीजेपी आ बीजेपी हटी कांग्रेस आ, आ कई राज्यों में देखा है हालात वही के वही रहते हैं अगर बिजली महंगी हो रही है तो कंटिन्यूस होती रहेगी स्कूल की फीस महंगी हो रही है तो कंटिन्यूस होती रहेगी ये क्यों है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के राज्यों में दोनों के राज्य में जो माफिया है वो कंफर्टेबल महसूस करता है कौन कौन सा माफिया है जो लोगों की डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करता है बिजली माफिया है पानी का माफिया है स्कूल एजुकेशन का माफिया है हॉस्पिटल्स का माफिया है ये इस तरह के माफिया हैं जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं सरकारों को वो माफिया चाहे कांग्रेस की सरकार आ जाए बीजेपी की आ जाए वो खुश महसूस करता है आम आदमी पार्टी क्यों महसूस करता है क्योंकि दोनों के नेता चाहते हैं दोनों के नेता इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होते हैं कि इन माफिया से रिश्वत ले लो कमीशन ले लो और जनता को भले ही किराया बढ़ाने दो जनता को महंगाई बढ़ाने दो स्कूल की फीस बढ़ जाती है ये लोग पैसा ले लेते हैं कमा लेते हैं बिजली महंगी हो जाती है ये लोग पैसा कमा लेते हैं तो वही हालात अब ये माफिया चाहता है बिजली माफिया के शिकंजे में थी दिल्ली हमने उसको मुक्त कराया है ये माफिया नहीं चाहता कि हमारी सरकार के अंडर में काम करे इसलिए वो अब इस चीज़ की फिलर दे रहा है कि अगर किसी तरह से बीजेपी नगर निगम में आ जाए वापस तो वापस बिजली महंगी करा ली जाए और इसका प्रमाण है उत्तराखंड में जैसे अभी सरकार आई इन लोगों की पांच राज्यों के चुनाव हुए तुरंत में आते ही परसेंट बिजली महंगी कर दी जी तो ये तो महंगी बिजली महंगे पानी में यकीन रखने वाले लोग हैं जी इसी के साथ हम आपको ऑल द बेस्ट बोलेंगे you, आपके चुनाव के लिए थैंक यू सो मच सर फॉर स्पीकिंग टू फर्स्ट पोस्ट थैंक यू